ओके सो हाय गाइस, दिस इज़ जायरोनेटर एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे एक ड्रिल परफॉर्म कर सकते हो, एक प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो टू बी अ प्रो स्नाइपर। सो मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि हाउ टू बी अ प्रो स्नाइपर, उसमें मैंने थोड़ी टिप्स दी है और थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया है सम न्यू थिंग्स कि आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पहले वो वीडियो जाके देखो और तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना, बिकॉज इट इज़ सो कनेक्टेड टू दिस वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिए देन वेल एंड गुड। तो चलिए हम इस वीडियो के लिए बात कर लेते हैं। सो ये वीडियो जो है, इसमें मैं आपको तीन स्टेजेस बताऊंगा, दैट इज़ द बिगिनर, द इंटरमीडिएट एंड द एडवांस लेवल। एंड तीनों तीन के लिए अलग अलग प्रैक्टिस होगी। एंड द गाइज हु आर लाइक प्रो इन स्नैपिंग, दे विल बी हैविंग सम एडवांस लेवल ट्रेनिंग। द गाइज हु आर लाइक यू नो ठीक ठाक स्नैपिंग कर लेते हैं, दे विल बी एन इंटरमीडिएट। एंड द गाइज हु आर जस्ट बिगिनर्स, उन्होंने अभी अभी स्नाइपिंग शुरू की है, देन दे विल बी परफॉर्मिंग बिगिनर लेवल। एंड नो डाउट गाइज कि अगर आप एक प्रो लेवल स्नाइपर हो, ठीक है, अगर आप एडवांस लेवल पे हो अभी, देन स्टिल यू हैव टू परफॉर्म यू नो द बिगिनर लेवल एंड द इंटरमीडिएट लेवल, जस्ट टू भाई आपकी एक्यूरेसी एंड मूवमेंट अच्छी हो जाए। ठीक है, मैं उसी के लिए बोल रहा हूँ, नथिंग एल्स। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो चलिए हम हमारे बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली चीज़, हमारा बिगिनर लेवल दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज़ बिगिनर लेवल 1 एंड 2। सो 1 में आपको क्या करना है कि टेक्टिकल स्कोप यूज़ करना है, ओनली टेक्टिकल स्कोप, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ टेक्टिकल स्कोप से खेलना होगा। तो आप ड्रिल्स कहाँ पे परफॉर्म करोगे? सो आपको यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने दिया है, प्रैक्टिस वर्सेस AI, दैट इज़ द बेस्ट मोड यू कैन एवर प्रैक्टिस योर स्किल एंड एक्यूरेसी। सो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे और यहाँ पे आपको तीन बातें याद रखनी होगी, थ्री रूल्स। ठीक है, तीनों तीन ग्रुप्स के लिए, जो कि बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, तीनों तीन के लिए ये रूल्स अप्लाई होंगे। दैट इज़, आपको पहली बात तो आपका जो सेकेंडरी वेपन है वो यूज़ नहीं करना। ठीक है, आपको सेकेंडरी वेपन यूज़ नहीं करना। सेकेंडली, आपको अपनी स्कोर स्ट्रिक भी यूज़ नहीं करनी। एंड जो थर्ड पॉइंट है, आपको आपका ऑपरेटर स्किल भी यूज़ नहीं करना, आपको जस्ट अपनी स्नाइपर यूज़ करनी है, आपको दूसरी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, दिस इज़ फॉर योर गुड। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको बस एम करके शूट करना है, सिंपल सिंपल एज दैट। ठीक है, नो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स, नथिंग एल्स। आपको शूट करते वक्त कुछ भी आप मतलब आपको हिलाना भी आपको हिलना भी नहीं है। ठीक है, वाइल शूटिंग, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट एम एंड शूट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मर जाओगे तो मर जाना उस टाइम पे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत गोलियां लग रही है, आई शुड फॉल बैक, कि मुझे शूट करते हुए पीछे जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी मत करना, जस्ट एम एंड शूट। डोंट मूव योर सेल्फ, क्राउच भी मत करना, प्रॉन भी मत होना, जंप भी मत करना। ओके, कुछ भी मत करना, जस्ट एम एंड शूट, एम एंड शूट। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक्यूरेसी वो बढ़ेगी। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तभी आपका मतलब, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो मूवमेंट करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्यूरेसी बढ़ाओ, जस्ट इंक्रीज योर एक्यूरेसी, दैट्स इट। ये था हमारा बिगिनर लेवल पार्ट 1। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे बिगिनर लेवल 2 में। तो आपको क्या करना है कि आपने जो टेक्टिकल स्कोप लगाया था उसको निकाल दो, अभी जो भी सिंपल स्कोप है ना आपका, जो कि डिफ़ॉल्ट स्कोप आता है स्नाइपर पे, वो यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी आपको वही करना है, प्रैक्टिस वर्सेस AI मोड खेलना है। ठीक है, विथ पॉड्स, द रूल्स आर सेम, द कॉन्सेप्ट इज एज इट इज़। आपको कुछ भी मूवमेंट नहीं करनी है, बस आपको एम करके शूट करना है, एम करके शूट करना है। ठीक है, डोंट डू एनी सिंगल मूवमेंट वाइल शूटिंग। ठीक है, आप मेरे वर्ड्स को पहचानो पहले, मैं बोल रहा हूँ वाइल शूटिंग। शूटिंग के बाद आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो, बट आपको क्या करना है कि शूट करते समय हिलना नहीं है। एंड वन मोर थिंग गाइज, फॉर बिगिनर लेवल पार्ट 1 एंड 2, आपको हार्ड स्कोपिंग नहीं करना है, दैट इज़ आपको स्कोप खोल के नहीं बैठे रहना है, आपको जगह भी चेंज करनी है, बट आपको शूटिंग के टाइम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करनी है, जस्ट आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है। डोंट हार्ड स्कोप एनी ऑफ द बॉट्स। ओके, एक जगह पे बस स्कोप खोल के बैठे मत रहना, बिल्कुल भी बैठे मत रहना। ठीक है, आप देख सकते हो बस मैं मुड़ रहा हूँ क्योंकि वो पीछे था मेरे, बट ड्यूरिंग टेकिंग शॉट मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। तो आपको भी वही स्टेप करना है कि बस
एक जगह पे एम करके बैठे मत रहना, बस एम करके शूट करो, दैट्स इट। बाद में जगह बदलनी हो बदलो, आपको जो भी करना है करो, बट ड्यूरिंग दैट मोमेंट, ठीक है, जब आप शॉट ले रहे हो तब भी मूवमेंट बिल्कुल भी मत करना। सो दिस वॉज द बिगिनर लेवल पार्ट वन एंड पार्ट टू, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि भाई ये कितना प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता कि मेरी एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो आप अभी आप सोच लो कि आपको यहाँ पे 20 स्किल पे न्यूक मिलता है, ठीक है, तो आप उस न्यूक को कितनी जल्दी ले सकते हो, आप उस पे डिसीजन ले सकते हो कि आप कितनी जल्दी न्यूक लोगे, तो आपको यानी कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने कितनी जल्दी एम एंड शूट किया है लोगों को, कितने कितनी जल्दी लोगों को मारा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो आपके रिजल्ट्स का, ठीक है। तो उस हिसाब से इन एडवांस लेवल एंड प्रो लेवल, लाइक एडवांस लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल में भी आप ऐसा कर सकते हो कि आपका न्यूक जो है वो कितनी जल्दी आता है, तो उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी कितनी बड़ी है। सो गाइस, चलिए हम हमारे इंटरमीडिएट लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट लेवल एंड द बिगिनर लेवल, बहुत खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट आपको यहाँ पे मूवमेंट ऐड करनी है, दैट्स इट, और कुछ भी आपको ऐड नहीं करना, बस जस्ट आपको मूवमेंट ऐड करनी है। बहुत कॉम्प्लेक्स भी मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल मूवमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रूल्स भी सेम होंगे, ठीक है, आपको आपकी सेकेंडरी वेपन यूज़ नहीं करना है, स्कोच ट्रिक भी यूज़ नहीं करनी, एंड आपको आपकी ऑपरेटर स्किल भी यूज़ नहीं करने। तो चलिए हम मैं आपको मूवमेंट बता देता हूँ कि क्या मूवमेंट आपको यहाँ पे ऐड करनी है। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ऐड करनी है, जैसे कि आप अभी देख सकते हो, मैं शॉट लेने के पहले एंड शॉट लेने के बाद भी इस मूवमेंट को मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, शॉट लेने के कुछ मिली सेकेंड पहले एंड शॉट लेने के कुछ मिली सेकेंड बाद भी मैं ये ड्रिल, सॉरी, मैं ये जो मूवमेंट है मैं ये परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी आप पूछोगे कि मूवमेंट की क्या ज़रूरत है, ठीक है, बिकॉज देखो, एक स्टेबल, जो एकदम स्टेबल टारगेट होता है ना, उसको मारने में जितनी आसानी होती है ना, मतलब पूछो ही मत, आप अगर कोई रियल इंसान को इतने स्टेबल तरीके में देखोगे ना, आपको बहुत ही आसानी होगी, बस आपको एम करके शूट करना है, बिकॉज आपको आपकी गन हिलानी नहीं है, दैट्स इट, आपको बस एम करके शूट करना है, ठीक है। बट कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में अब ऐसा नहीं चलता, एंड इफ़ यू गाइज आर अ स्टेबल टारगेट फॉर योर एनिमीज, तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा कि आपको मारने में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जस्ट थोड़ा हिलना है, ठीक है, राइट लेफ्ट, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राइट लेफ्ट ही करना है, आप राइट भी जा सकते हो, लेफ्ट राइट भी जा सकते हो, राइट, आप अपने मूवमेंट्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे, यू कैन कस्टमाइज इट फॉर योर सेल्फ, आप जो मूवमेंट में कंफर्टेबल हो वो मूवमेंट आप ऐड कर सकते हो, ताकि आपको कोई आसानी से मार ना सके, दैट्स इट, डोंट बी एन ईजी टारगेट टू शॉट डाउन, दैट्स इट। और यहाँ पे भी सेम टेक्निक है कि आपको न्यूक कितनी जल्दी मिलता है, ठीक है, तो मुझे भी यहाँ पे इतनी जल्दी न्यूक मिल गया, तो आप ऐसे अपने रिजल्ट्स के बारे में पता लगा सकते हो कि मैं कितनी स्पीड में खेला, मैंने कितने टाइम में खेला, ठीक है। साइड में स्टॉप वॉच चालू कर दो कि भाई मैंने कितनी जल्दी स्नाइपिंग की। सबसे पहला जो होगा आपको, बस आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी है, इसमें भी आपको एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज आपके लिए भी इतना ईजी नहीं होगा, बिकॉज आप भी हिल रहे हो और टारगेट भी थोड़ा बहुत तो हिलेगा, ठीक है, तो आपको भी ऐसा देख के आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी एन इंटरमीडिएट स्नाइपर। सो हमारा लास्ट एंड फाइनल लेवल जो है, दैट इज़ एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल में एडवांस ऑब्वियसली यहाँ पे एडवांस मूवमेंट्स होगी, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने जंप, क्राउच, स्लाइडिंग वो सब ऐड किया है, आप आगे की क्लिप में देखोगे अभी। सो आपको ये क्यों करना है, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले ही रीज़न बताया था, आप स्टेबल, जितने कम स्टेबल रहोगे उतना आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कवर टू कवर कैसे जा रहा हूँ, कवर के बाहर भी कैसे जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो मेन की है वो है कवर, ठीक है, और आप कवर के अंदर और बाहर कितना आ रहे हो और कैसे आ रहे हो। जैसे कि मैं अभी कवर के बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जंप करके जा रहा हूँ, सो लाइक कवर टू कवर आप जंप करके जाओ, और क्राउच भी ऐड करो, जैसे कि मैंने अभी क्राउच ऐड किया था मेरे शॉट में, तो जंप, क्राउच, स्लाइड, ऐसा सब ऐड करो। एंड यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कवर में खेलो, जस्ट आपका कवर चेंज करो, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कवर धीरे धीरे कवर चेंज करो, या फिर स्लाइड करके कवर चेंज करो। द ओनली थिंग इज़ आप कितना जल्दी खेलते हो, ठीक है, आपकी मूवमेंट्स कितनी फास्ट है,
जितनी आपकी मूवमेंट स्लो रहेगी उतना सामने वाले के लिए यू नो बेनिफिट हो जाएगा आपको मारने के लिए। सो गाइज मेक श्योर आप हमेशा कवर में खेलो एंड आप कितना फास्ट खेलते हो। जैसे कि मैंने अभी कितना फास्ट कवर चेंज किया स्लाइड करके, ठीक है। अभी मैं चल के जाता तो वहाँ पे थोड़ा डिले हो सकता था टाइम का, तो मैंने स्लाइड कर दिया। तो वैसे ही आपको अपना कवर भी चेंज करना पड़ेगा एंड दिस रिक्वायर्स अ हेल लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी मैं भी इसको पूरा मास्टर नहीं कर पाया हूँ। सो द ओनली थिंग इज़ प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको मूवमेंट तो करनी है, साथ ही साथ आपको अपना एम भी इतना फास्ट एडजस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप एक एडवांस लेवल पे खेल रहे हो तो आप स्लो स्नाइपिंग नहीं कर सकते, यू कांट अफोर्ड अ स्नो स्नाइपर। तो मतलब स्लो स्नाइपिंग आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तो हमेशा बहुत ही जल्दी स्नाइप करना पड़ेगा। क्विक स्कोप फ्लिक ज़्यादातर करने पड़ेंगे, नो स्कोप भी कभी कभार करने पड़ते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस मूवमेंट एंड एक्यूरेसी को पूरी तरह से ध्यान रख लो। अगर आपको ऐसा है कि मैं अभी एक्यूरेसी मेरी नहीं आई है, तो स्टार्ट फ्रॉम बिगिनर लेवल, बिगिनर इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल ऐसे करके जाओ तो ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। बिकॉज मैंने जैसे पहले बोला था कि आपकी जो मूवमेंट है वो एक्यूरेसी के बिना कुछ भी नहीं है। सो मेक श्योर आप मूवमेंट भी अच्छी कर लो और एक्यूरेसी भी अच्छी कर लो। एंड वन मोर थिंग गाइज, डोंट प्ले इन योर कम्फर्ट जोन। कम्फर्ट जोन से बाहर आके खेलो, तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। विदाउट दैट आप इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे। एंड या प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस नॉट ओनली विल मेक यू परफेक्ट, बट आपकी बहुत सारी एस्पेक्ट्स में हेल्प करेगा आपकी प्रैक्टिस। सो मेक श्योर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। ज़रूरी नहीं है कि आप रियल बंदों के साथ प्रैक्टिस करो, बॉट्स के साथ प्रैक्टिस करो। आपका एम, एक्यूरेसी, स्पीड, एजिलिटी, मूवमेंट्स, आपको जो भी जिस पे भी वर्क करना हो मुझे बता दो, कि ताकि मैं उस पे वीडियो ला सकूँ। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। एंड गाइस दैट वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना अगर आपको पसंद आई हो। टिल देन पीस आउट गाइस।